जहां मौसम विभाग द्वारा 36 घंटे का अलर्ट जारी किया गया था, वहीं विकासखंड पोखरी के दूरस्थ गांव कलसिर में इसका प्रभाव देखने को मिला। आपको बता दें कि ग्राम कलसिर में भारी बारिश के कारण 4 मकानों में बड़ी दरारें आई है, जिसके चलते उन मकानों में रह रहे परिवारों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बताते चले कि भारी बारिश के कारण इन 4 घरों में पानी भर गया था, जिसके चलते ग्रामीणों ने इन 4 परिवारों की पंचायत भवन में व्यवस्था की है। परिवारजनों का कहना है कि शासन प्रशासन इसको गंभीरता से ले और उचित मुआवजा राशि दे, जिससे कि ये अपने घरों की मरम्मत करा सके। उधर जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी ने जिला पंचायत की ओर से हर संभव मदद देने की बात कही है। विकासखंड पोखरी के ग्राम कलसिर में कल रात अतिवृष्टि भारी बारिश के कारण लोगों के घरों के पीछे मलबा आने से मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। तो क्षतिग्रस्त हो गई, मैं सरकार से मांग करती हूँ कि ग्रामवासियों को तत्काल राहत पहुँचाए, एवं जिला पंचायत से भी मैं हर संभव मदद करने की कोशिश करूँगी। भारी बारिश होने के कारण 4 परिवारों को बहुत नुकसान पहुँचा है। मकान में रहने लायक नहीं है, मकान के पीछे से टूटकर भारी मलबा मकान घरों के अंदर तक आ गया है और 4 परिवार इस स्थिति में आज की डेट में हम ग्राम पंचायत के द्वारा पंचायत भवन में इन लोगों को शिफ्ट किया गया है। प्रशासन की टीम आई है, लेकिन इन्होंने इधर से थोड़ा बहुत देख रेख करके बताया कि फिलहाल प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं दी गई है।